नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासियों के लिए 6 संकल्प का ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आदिवासी भाइयों और बहनों, जल, जंगल, जमीन और आदिवासी समाज के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने 6 संकल्प लिए हैं। पहला, सुशासन, जिसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत 1 वर्ष के अंदर सभी बकाया क्लेम्स का निपटारा होगा और 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा होगी और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेंगे। दूसरा, सुधार, मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण कानूनों में किए गए सभी संशोधनों को कांग्रेस वापस लेगी। तीसरा, सुरक्षा, देश का हर वो इलाका जो आदिवासी बहुल्य है उन्हें हम अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा देंगे। चौथा, स्वशासन, कांग्रेस हर राज्य में PESA के तहत कानून बनाकर आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना करेगी। पांचवा, स्वाभिमान, जिसमें MSP की गारंटी के कानून में छोटे वन उपज को भी शामिल किया जाएगा। छठा, सब प्लान, हम बजट में दलित और आदिवासियों को पर्याप्त हिस्सेदारी देने के लिए SC ST सब प्लान को पुनर्जीवित कर उसे कानूनी संरक्षण देंगे, जैसा हमने कई राज्यों में किया है। राहुल गांधी ने आदिवासियों के लिए 6 संकल्प का ऐलान करने के बाद आगे लिखा कि आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा और उनकी बेहतरी के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आदिवासियों के हक, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी आदिवासी संकल्प की गारंटी के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों और उनके जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेगी। क्या इंडिया गठबंधन से खफा है ममता बनर्जी? दरअसल इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में की जा रही है और ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां पहले TMC प्रमुख पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी हैं, तो वे अब बंगाल के बाहर भी एक राज्य में उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। TMC प्रमुख का ऐसा करना इंडिया गठबंधन से बगावत के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TMC ने मेघालय की तुरा लोकसभा सीट से चयनित संगमा को टिकट दिया है, जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के भाई हैं। बता दें कि मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं और कांग्रेस पहले ही इन 2 सीटों तुरा और शिलोंग पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर और उनसे जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर कल 12 मार्च मंगलवार को ED ने छापा मारा। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी की गई। जांच एजेंसी की ये रेड लगभग 18 घंटे तक चली, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि उनके घर पर ED की रेड इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने BJP में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे हजारीबाग से BJP ने टिकट ऑफर की थी, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया। BJP के लोगों ने मुझ पर चतरा की ओर से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी से हैं तो ये हमारे इनकार का नतीजा है और मुझे दिन भर यातना का शिकार होना पड़ा। बता दें कि अंबा प्रसाद झारखंड के हजारीबाग जिले की बड़का गांव विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को साथ आने का न्योता दिया है। ठाकरे ने कहा कि पूर्व कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह जैसे लोग, जिस पर भाजपा ने कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हालांकि अब उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में शामिल किया गया, लेकिन इस लिस्ट से गडकरी का नाम गायब था। मैंने 2 दिन पहले ही गडकरी से कहा था और दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपका अपमान हो रहा है तो आप भाजपा छोड़ दें और महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं। महाराष्ट्र में विपक्ष लोकसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करेगा और हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आपको एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले भी उद्धव ठाकरे ने गडकरी को ऐसा ही न्योता दिया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गडकरी ने इसे अपरिपक्व बयान बताया और कहा कि ठाकरे को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा किसे टिकट दे रही है या किसे नहीं। नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कल मंगलवार को पूरे असम में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। असम के डिब्रूगढ़ में असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के पुतले फूंके और साथ ही CAA कानून की प्रतियां भी जलाईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बता दें कि इस कानून के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, कृषक मुक्ति संग्राम समिति समेत करीब 30 जनजातीय संगठनों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कानून बनने से पहले आंदोलन किया जाता है और अगर अब कानून का विरोध करना है तो कोर्ट में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब लोग पोर्टल में नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे तो 45 दिन में हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आवेदन किया है और अगर आवेदन करने वाले लाखों की संख्या में हुए तो मैं खुद इसका विरोध करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राज्य में NRC के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक व्यक्ति को CAA के तहत नागरिकता मिलती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। असम में जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और स्थानीय पुलिस ने आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर और आसपास के इलाकों में जवानों को तैनात किया गया है और स्थानीय थानों में अस्थायी जेल बनाई गई हैं। वहीं इस बीच ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं ने कल मंगलवार को CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया। CAA के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि इसे लेकर कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इसका भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि एक भारतीय मुस्लिम नागरिक के भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि एक भारतीय हिंदू नागरिक के। इस कानून से भारतीय मुस्लिमों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे उनकी नागरिकता पर कोई फर्क पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि CAA के तहत अवैध प्रवासियों को भी वापस भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के कारण कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। उन्होंने कहा कि ओवैसी, खड़गे और राहुल गांधी सब झूठ बोल रहे हैं कि इससे अल्पसंख्यकों की नागरिकता चली जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूँ कि नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को दिए गए आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा मुहैया करा दिया है। इसकी जानकारी खुद चुनाव आयोग द्वारा कल मंगलवार को एक्स पर दी गई। EC के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के SPI को दिए निर्देश के अनुपालन के तहत आज 12 मार्च 2024 को भारत के चुनाव आयोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर डेटा दे दिया है। बता दें कि सोमवार 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI की अतिरिक्त समय मांगे जाने की अर्जी खारिज करते हुए उसे 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था। इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को इस जानकारी को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली के इंद्रलोक में नमाजियों के साथ बदसलूकी के आरोप में निलंबित किए गए सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर के लिए हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने कल मंगलवार को प्रदर्शन किया। दल के सदस्य पुलिस मुख्यालय के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने 50 से 60 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वही हिंदू रक्षा दल के नेता ने समाचार एजेंसी PTI से कहा कि अगर उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने का हक है तो हमें भी सड़कों पर इस तरह हनुमान चालीसा पढ़ने का हक है। हमारी मांग है कि निलंबित किए गए सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर को दोबारा बहाल किया जाए। आपको बता दें कि 8 मार्च को दिल्ली के इंद्रलोक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इलाके के सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर को सड़क पर नमाज पढ़ते लोगों को लात मारते हुए देखा जा सकता है और इसी के बाद तोमर को निलंबित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने कल मंगलवार को जम्मू कश्मीर के एक और संगठन जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर UAPA के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने आज जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट को गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित कर दिया है। पाया गया कि संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और आतंकवाद का समर्थन करने, देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने की गतिविधियों में शामिल है और हम भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
गजा में युद्ध के कारण पैदा हुई भुखमरी पर यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गजा युद्ध में भुखमरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यहां जरूरत पर सहायता न पहुंचने को मानव निर्मित संकट बताया। आपको बता दें कि सड़क मार्ग गजा में सहायता भेजने का सबसे सही तरीका है, लेकिन सहायता पहुंचाने वाली संस्थाओं का कहना है कि इजराइल ने इस पर पाबंदी लगाई है, जिसका मतलब है कि जो मदद पहुंच सकती है उसका बहुत ही छोटा हिस्सा भी पहुंच पा रहा है। फिलहाल समुद्री रास्ते और हवाई मार्ग से मदद पहुँचाई जा रही है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख ने आगे कहा कि ये आबादी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, मानवीय सहायता गजा में पहुंचनी चाहिए और यूरोपीय संघ इसे मुमकिन बनाने के लिए जितना हो सकता है उतना काम कर रहा है। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 13 मार्च को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 80 अंक उछलकर 22,400 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 250 अंक की तेजी के साथ 73,900 के पास आ गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 165 अंक उछलकर 73,502 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 135 अंक ऊपर 47,418 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।